दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई वैकेंसी लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी आ रही है SPML की तरफ से आ रही है। तो दोस्तों, बेसिकली ये जो है काफ़ी बड़ा प्लांट है, और साथ में ये जो है वाटर के क्षेत्र में वर्क करता है। जैसे वाटर मतलब जो आपके पास यहाँ पर जो वेस्टेज वाटर वगैरह होता है, उसका मतलब यहाँ पर जो है वर्क किया जाता है उससे रिलेटेड। साथ में देखिए, यहाँ पर ये कंपनी काफ़ी बड़ी है, और मैं आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम आती है कि मैम फॉर्म किस तरीके से फिल करें। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ और ईमेल आईडी ओपन करने के लिए रहने देती हूँ। तो आप लोग का जो पासवर्ड है वो इनकरेक्ट बताता है या फिर कोई अदर प्रॉब्लम, तो मैं आज आप लोगों के लिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरा मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से देखते हैं तो आप पूरा यहाँ पर फिल कर पाएंगे। तो किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊँगी कि ये जो चीज़ है, यहाँ पर अगर आप SPML यहाँ पर सर्च करेंगे तो इस तरीके का यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। देन आप लोग को फर्स्ट साइट पे जाना है। फर्स्ट साइट पे जाने के बाद इसके करियर सेक्शन पे आप लोग पहुँचेंगे। तो देखिए, मैं आप लोग के सामने ओपन कर रही हूँ, इसका करियर पेज यहाँ पर ओपन हो गया है। देन आप लोग को इसके ओपन ही खोजने के लिए क्या करना होगा, करियर पेज पर आप लोग को आना होगा। जैसे ही करियर पेज पर आएंगे तो लिखा आ रहा है यहाँ पर अवेलेबल पोजिशन। सो तो जो आप लोगों की पोजिशन अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए, लिंक आप लोग को डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद करना है आप लोग को टू अप्लाई फॉर द अवेलेबल वैकेंसी, क्लिक हेयर। अगर आप मतलब अप्लाई करना है तो आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना होगा। मैं आप लोग के यहाँ पर क्लिक करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो एक और न्यू टैब ओपन होगा जहाँ पर सारी वैकेंसी आप लोग को देखने मिलेगी। और देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसी हैं। जैसे यहाँ पर जो पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2, 3, तो जो अभी रिसेंटली में निकली हुई है वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट जो ओपनिंग आ रही है वो आ रही है यहाँ पर, देखिए, जनरल मैनेजर की। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ये GM के लिए, सीनियर के लिए, और जो हमारे फ्रेशर स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए बताऊंगी। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर करूँगी, यहाँ पर ऑल इंडिया, यहाँ पर कहीं से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या आती है, देन अगर आप किसी भी ब्रांच से यहाँ पर तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। लाइक यहाँ पर ऑल ब्रांच यहाँ पर एलिजिबल रहने वाली है, और यहाँ पर अलग अलग ओपनिंग है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। साथ में यहाँ पर देखिए, 2022 वाले बैच वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, 2021 एंड 2020 वाले भी। और अगर इनके पास एक्सपीरियंस है वो तो यहाँ पर अप्लाई कर ही सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा गया है। देन मैं नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप बात करूँ तो यहाँ पर देखिए बैच, अगर बैच तो यहाँ पर सभी, यहाँ पर अगर फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है, तो जिस हिसाब से आपका बैच है और एक्सपीरियंस है, यहाँ पर ऑल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर डिप्लोमा एंड BE BTech वाले अप्लाई भी कर सकते हैं, ग्रेजुएट वाले। अब देखिए, मैं नेक्स्ट बात करती हूँ, यहाँ पर मैं आप लोग को एक यहाँ पर ओपनिंग बता देती हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर ये ओपनिंग आ रही है, ये सभी यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस है, जिनके आगे सीनियर लगा होगा वो एक्सपीरियंस यहाँ पर ओपनिंग होती है। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक ओपन करके बता देती हूँ जिससे आप लोग को अंदाजा हो जाए। जैसे मैं सीनियर के ओपन करूँगी तो इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस वाले इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया, सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। लेकिन हम बात करेंगे फ्रेशर्स वालों की, तो यहाँ पर देखिए फ्रेशर्स वालों की बात करेंगे तो फ्रेशर कौन कौन यहाँ पर वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर 1 यहाँ पर देखिए, प्लानिंग एंड बिलिंग, यहाँ पर ऑल ब्रांच एलिजिबल रहने वाली हैं। और देखिए, यहाँ पर मैं इसको ओपन करके बता देती हूँ जिससे आप लोग यहाँ पर देख पाए। तो देखिए, आप लोग इन साइट्स को ओपन करके देख लीजिए। आप यहाँ पर जो है आप लोग को जो भी फ्रेशर मांगा गया है, और मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देती हूँ। जैसे ये जो हो गया, इस पर भी देखिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो मैं आप लोग को फ्रेशर वाली यहाँ पर वैकेंसी की बताऊंगी। तो देखिए, मैंने जैसे कि मैंने बताया आप लोग को, यहाँ पर सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। हम इसे ओपन करेंगे, इस ओपनिंग को। जैसे ही हम लोग इसे ओपनिंग ओपन करते हैं, इसके बारे में जो भी चीज़ें यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है 0 एक्सपीरियंस रेगुलर रहेगा। आप लोग की ओपनिंग 4 फरवरी को आई है, और यहाँ पर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर जो है आप लोग की पोस्ट है। सारा क्राइटेरिया आप लोग को यहाँ से दे रखा है, और अप्लाई यहाँ से होगा। मैं लास्ट में आप लोग को अप्लाई करके दिखाऊँगी, पूरा प्रोसेस आप लोग को बताऊँगी। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर टेंशन ना लें। देन मैं नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँगी, तो आप लोग को मैं नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया गया है लैंड सर्वे, यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, इस वाली जॉब के लिए सभी स्टूडेंट ऑल ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लैंड सर्वे में देखिए, जो सिविल वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी ओपन करके देख सकते हो आप लोग, जिससे आप लोग को यहाँ पर पता चल जाए कौन यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर पोस्ट वगैरह नहीं दिए गए, यहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 0 ईयर एक्सपीरियंस वाले हैं। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ तो देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर जो है एक है यहाँ पर इंजीनियरिंग सिविल। तो देखिए, जो अगर आप
इन दोनों पोस्ट के लिए सभी ब्रांच एलिजिबल है, डिप्लोमा बीई बीटेक। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग सिविल वालों के लिए यहाँ पर डिप्लोमा पीई बीटेक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट सिविल वाले ओनली ऑन सिविल ब्रांच के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा रही हूँ, 0 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, और आप लोग का जो रहेगा कंस्ट्रक्शन जैसे पंप वगैरह से रिलेटेड आप लोग का यहाँ पर रहेगा, वाटर क्षेत्र में जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मैं नंबर 2 पेज पर चल रही हूँ, देन आप लोग का यहाँ पर देखिए ड्राफ्टमैन सिविल, तो आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर भी 0 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, ऑटो कैड आती है तो आप लोग ज़रूर से यहाँ पर फिल करें। नेक्स्ट मैं बात करूँगी यहाँ पर नेक्स्ट वाली जो ओपनिंग आ रही है, देखिए वो आ रही है सिविल की, तो वो सिविल की तो यहाँ पर थी। ठीक है, ड्राफ्टमैन सिविल, और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग मैकेनिकल की, यहाँ पर भी आप लोग फ्रेशर हैं अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए जो सीनियर है, सीनियर वालों के लिए तो जो एक्सपीरियंस यहाँ पर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर मैं थोड़ा स्क्रॉल करूँगी और नेक्स्ट यहाँ पर वैकेंसी को आप लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आ रही है आप लोगों की, देखिए ये मैकेनिकल की, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 0 ईयर एक्सपीरियंस, देखिए 0 ईयर एक्सपीरियंस है, और यहाँ पर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव की आप लोग की जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट रहेगा, अप्लाई यहाँ से ही करना होगा। मैं आप लोग को बाकी एक यहाँ पर अप्लाई करके दिखा देती हूँ, तो देखिए किस तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना होगा, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ तक आप लोग को बता देती हूँ, बाकी आप लोग आज मैं पूरा बताऊँगी, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ, मेरी यहाँ पर क्लिक करते ही जैसे मैंने वहाँ पर देखिए अपना पासवर्ड ईमेल डाला, जैसे ये अगेन ये पेज ओपन हो गया है, क्योंकि देखिए मैंने वहाँ पर अपना पासवर्ड डाला और ईमेल आईडी डाली, देन मैंने वहाँ पर क्या किया उसे ओपन कर दिया। और पासवर्ड हमने वही डाला जो हमारी ईमेल आईडी में था, पासवर्ड मुझे डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली पासवर्ड ले चुका था। ठीक है, अब देन मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर जो मेरे मेन यहाँ पर देखिए मैं ओपन करती हूँ, जैसे मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है, मैं किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ, देन मैं यहाँ पर देखिए इस जॉब के लिए करती हूँ, मैं इसे ओपन करती हूँ और यहाँ पर मैं देखूँगी अप्लाई फॉर दिस जॉब। जैसे मैं इसे अप्लाई करूँगी यहाँ पर रिज्यूम सेंड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे मैं रिज्यूम सेंड करती हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी रिज्यूम सेंड कर देती हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर जैसे ही रिज्यूम सेंड किया यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर हो गया है। उससे पहले मेरा यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, जैसे ही मैंने यहाँ पर रिज्यूम सेंड किया, अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मैं नेक्स्ट कर दूँगी। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर नया फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो इस तरीके का आप लोग का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर अपना नेम भरना है, लास्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पर भरना है, जेंडर एंड नेशनलिटी, मैरिटल नेशनलिटी में आप लोग इंडिया यहाँ पर भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल यहाँ पर स्टेटस भरेंगे, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग को दी गई होंगी। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करके बताती हूँ, तो यहाँ से आप लोग जैसे सिंगल मैरिड जो भी है आप लोग भर सकते हैं, और यहाँ से भी यहाँ पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं, जो भी आप जैसे सिंगल हैं जिस हिसाब से आप लोग लगाते हैं वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। देन आप लोग को क्लिक करना है कॉन्टैक्ट, आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, आप लोग अपनी ईमेल आईडी इसमें भर दीजिएगा, देन आप लोग अपना पर्सनल नंबर, और यहाँ पर जो है कंट्री कोड, कंट्री कोड यहाँ पर ऑलरेडी भरा गया है तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्री कोड में क्या है, यहाँ पर 91, तो 91 ही रहने देंगे क्योंकि इंडियन में यहाँ पर कंट्री कोड 91 ही लगाया जाता है। देन आप लोग को यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस डालना होगा, वर्क एक्सपीरियंस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर सारा चीज़ डालना है, कंपनी नेम और यहाँ पर जॉब लोकेशन, डेट ऑफ बर्थ, एंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर डेट जैसे किस टाइम पर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आई एम करेंटली वर्क हेयर, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं करते हैं तो यहाँ पर नहीं क्लिक करेंगे। जॉब टाइटल, जिस जॉब के लिए आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब का यहाँ पर नेम भरेंगे। देन एजुकेशन, यहाँ पर एजुकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन पर, तो आप लोग का एक और यहाँ पर न्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा जिससे कि आप लोग एजुकेशन यहाँ पर फिल कर पाएंगे। अब देखिए बैचलर डिग्री में आप लोग इसे फिल कर देंगे, जैसे यहाँ पर देखिए अदर अदर में आप लोग यहाँ पर अगर कुछ नहीं किए हैं तो यहाँ पर नहीं भरेंगे, अगर किए हैं, अब जैसे यहाँ पर डिग्री, तो आप लोग को कोई भी डिग्री यहाँ पर फिल करनी है तो जो भी आप लोग किए वो यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पर नहीं डालेंगे। देन आप लोग को यहाँ पर और यहाँ पर रेफरेंस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पर फिल करेंगे, तो रेफरेंस में अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बाकी यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं अगर नहीं डालना है। ठीक है, अब यहाँ पर जॉब्स, तो जॉब्स पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, जॉब्स पर क्लिक, जैसे आप लोग क्या स्पोक कर लेते हैं और सैलरी मतलब जो आप लोग चाहते हैं, और टोटल एक्सपीरियंस 0 कर देंगे यहाँ पर। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह का नंबर वगैरह डालेंगे। देन लास्ट सैलरी, अगर नहीं थी तो 0 डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए इसमें, तो दोस्तों इस प्रकार के इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आ जाएगा, यहाँ पर जैसे फिजिकल हैंडीकैप अगर हैं तो यस, और नहीं है तो नो, और यहाँ पर आप लोग यस करेंगे, और यहाँ पर देखिए इस लोकेशन पर रिलोकेट हो सकते हैं तो रिलोकेट के लिए यहाँ पर यस करेंगे,
और यहाँ पर एनी वेयर इन इंडिया या पेन इंडिया यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए आपको किस माध्यम से पता चला, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कैंपस रिक्वायरमेंट या फिर जो भी, अगर आप अदर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर सबमिट यहाँ पर जो है एप्लीकेंट यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग का फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, जो भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप लोग यहाँ पर सबमिट कर देंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को फॉर्म फिल करना, और सभी फॉर्म इसी तरीके से फिल करने होंगे। अब देखिए आप लोगों का कोई प्रॉब्लम आया करे तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए फुल जो है आप लोग को फिल करके भी दिखा सकूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग को यहाँ पर मैं बता देती हूँ तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, तो मैं इसलिए आप लोग को लंबा वीडियो नहीं करती, तो इसलिए मैं आप लोग को यहीं पे छोड़ देती हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।